So now in last class we saw that we can make a galvanic cell by connecting two half cells, correct? Yes. Yes, sir. So today first let's discuss various types of half cells we can do. Types of half cells. The first type of half cell, which we saw in last class, are metal iron half cells. Okay? Metal iron half cells. कैसे बनेगा एक metal iron half cell? क्या design थी इसकी? एक beaker लेंगे. उसमें मेटल की प्लेट डिप करेंगे और उसी मेटल के आयर का सॉल्यूशन लेंगे, करेक्ट? यस सर. ये याद है कि दोनों चीजें क्यों ले रहे हैं हम लोग? ये यस सर. बताओ उसको तो दूसरे बीकर में क्या वो हर इंफॉर्मेशन नहीं रहती? नहीं, ढंग से क्लियरली बताओ. वो ऐसा सेल बनाते हैं कि वो कि वो ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए. मतलब वी प्रिपेयर अ हाफ सेल इन सच अ वे सो दैट इट कैन एक्ट बोथ एज कैथोड और एनोड एज रिक्वायर्ड, करेक्ट? यस. अगर इफ दिस हाफ सेल एक्ट्स एज कैथोड then what will be the half reaction of this half cell? Bataiye. Mn plus plus electron minus is equal to Mn. Very good. If it acts as cathode, this will be the half reaction here. And if it acts as anode, then what will be half reaction here? M gives Mn plus plus. M gives Mn plus plus M. ये सबको clear है ढंग से? Yes sir. अच्छा, whether it will act as cathode or not, ये कौन decide करेगा? सर उसके साथ जो metal है उससे wire stronger रहेगा. इसके साथ दूसरी क्या चीज connected है? हाँ. दूसरा हाफ सेल कौन है ये डिसाइड करेगा वेदर इट विल एक्ट एज कैथोड और एनोड, करेक्ट? समझ गए ये? यस सर. चलो ये नोट करो. पहला हाफ सेल डन सर. अच्छा, तो जो एलिमेंट मेटालिक है उनके लिए तो हम ऐसा हाफ सेल बना ले सकते हैं, करेक्ट? सपोज एक नॉन मेटल का मैं ऐसे ही हाफ सेल बनाना चाहूं, विल आई बी एबल टू प्रिपेयर सच अ हाफ सेल फॉर अ नॉन मेटल? नो सर. व्हाट प्रॉब्लम है? मेटल आर नॉट, मतलब नॉट इलेक्ट्रॉन गिविंग, नॉट इलेक्ट्रॉन माइनस. नहीं नहीं, देखो सपोज आई सेलेक्ट अ नॉन मेटल और मुझे ऐसा ही हाफ सेल उससे बनाना है. अब नॉन मेटल भी अपने आयंस के फॉर्म में तो रह सकता है ना भाई. मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, करेक्ट? यस और नो? यस सर. तो अगर उसका मुझे हाफ सेल बनाना है तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस होगी? सर वो मैलेबल नहीं है. मतलब मुझे उसकी सॉलिड प्लेट नहीं. हाँ, प्लेट नहीं मिलेगी. हाँ. मतलब रूम टेम्परेचर पे जनरली नॉन मेटल्स विल बी इन विच स्टेट? गैसियस स्टेट. अब उनका हाफ सेल बनाना है तो कैसे बनाऊं? So second type of half cells we prepare are gas iron half cells.
ओके इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। चलो कोई पेयर सेलेक्ट करो जिसका हाफ सेल बनाना है। सबसे कॉमन अब लेट्स से नॉन मेटल छोड़ो, एक मेटल ही मतलब हाइड्रोजन ले लेते हैं, करेक्ट। हाइड्रोजन के तो आयन भी होते हैं ना, एच प्लस आयन। यस यस सर। तो सपोज मुझे हाइड्रोजन का हाफ सेल बनाना, तो अब सॉल्यूशन तो मैं इजीली बना लूंगा। सॉल्यूशन मुझे किसका बनाना पड़ेगा? एच प्लस आयन का। एच प्लस आयन का सॉल्यूशन तो इजीली बन जाएगा ना। यस सर। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे पानी में, एच प्लस आयन का सोल्यूशन बन गया। यस। बट एच प्लस की प्लेट कैसे बनाए? इसमें सॉरी एच टू की या हाइड्रोजन की प्लेट इसमें कैसे डाले, वो प्रॉब्लम है हमारे सामने, करेक्ट। यस सर। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमेशा इस सॉल्यूशन में प्लैटिनम की प्लेट डालते हैं, ठीक है। प्लैटिनम की प्लेट डालने से क्या एडवांटेज है? देखो प्लैटिनम इटसेल्फ इज अ इनर्ट सब्सटेंस, ओके, एंड प्लैटिनम इज अ वेरी गुड एड्सॉर्बर। एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है मालूम है ना? व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? सरफेस पे कम्युनिकेट होता है, सरफेस पे वो स्टिक करा लेता है चीजों को। तो प्लैटिनम इज अ वेरी गुड एड्सॉर्बर। तो नाउ इफ आई टेक अ प्लैटिनम प्लेट और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो जाए, मतलब प्लैटिनम की प्लेट के ऊपर हर जगह हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल स्टिक हुए, तो प्लेट तो फिर हाइड्रोजन की लगेगी ना, क्योंकि एक सॉलिड के लिए सरफेस वाले ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। यस सर। और सरफेस पे हर जगह हाइड्रोजन स्टिक है, करेक्ट। तो यस सर। हम एक गैस आयन हाफ सेल बनाते हैं। एस कैथोड, इसमें रिएक्शन क्या होगा? सर एच प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस गिव्स एच टू एच प्लस हाँ टू एच प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू एच टू। यस। एंड एस एनोड ठीक इसका उल्टा एच टू गिव्स टू इलेक्ट्रॉन एच टू गिव्स टू एच प्लस प्लस टू
हो गया ये नोट ना? यस सर। तीसरा आप सेल देखते। अगेन लेट मी पुट अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सपोज वी वांट टू मेक अ हाफ सेल ऑफ सिल्वर, टेल मी कैसे बनेगा? बोलो सिल्वर के आयंस और सिल्वर की एक सिल्वर की प्लेट ली, करेक्ट? हाँ सर। उसको किसमें डिप करेंगे? सिल्वर आयन, सिल्वर के आयन, सिल्वर आयन, सिल्वर के आयन का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? AgCl सिल्वर का सॉल्ट लेके सॉल्ट लेके डिसोसिएट करना चाहिए। कौन सा सॉल्ट डिसॉल्व करें पानी में सिल्वर का? सर AgNO3। AgNO3, वेरी गुड। AgNO3 सपोज AgNO3 अवेलेबल नहीं है and the only salt available with us for silver is AgCl, अब क्या करें? तो precipitate देगा ना सर। तो AgCl तो पानी में dissolve होता ही नहीं है, sparingly salt है, बहुत कम amount dissolve करेगा। तो ये हमारा हो गया third category of half cells, metal, और उस metal का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है हमारे पास, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ हाफ सेल। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये लोग, ये हम लोग भी कर लेंगे। प्लेट तो आराम से ले लेंगे सिल्वर की, AgCl का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो ये सिल्वर की प्लेट ले ली। अब सॉल्ट हमने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है? AgCl वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। यस, तो उसमें सिल्वर के साथ एनायन क्या है? मेटल एनायन जो सॉल्ट का एनायन है, और सॉल्ट को हम एक जेल में रखेंगे और उस जेल को पार्शियली इस प्लेट के ऊपर कोटिंग कर देंगे। तो ये क्या है? जेल कोटिंग है ये, पार्शियली इस प्लेट पे जेल कोटिंग कंटेनिंग AgCl। ओके, तो जेल कोटिंग में AgCl है, इतना क्लियर हुआ? तो अब एज कैथोड इसका रिएक्शन क्या होगा और एज एनोड इसका रिएक्शन क्या होगा, जरा देखते हैं। एज कैथोड रिडक्शन होना है, करेक्ट? yes. तो रिएक्शन होगा AgCl प्लस आई इलेक्ट्रॉन goes to Ag plus Cl minus, और as anode इसका reaction क्या होगा? Ag plus Cl minus goes to AgCl plus I electron। समझ में आई ये design और इसका reason? coating क्यों किया था? तो coating का क्या reason है? कोटिंग, जेल कोटिंग कंटेनिंग AgCl। नोट कर लिया? वेट सर, हम लोग AgCl क्यों लेते हैं, मतलब ऐसे कैथोड रिएक्शन में AgCl क्यों लेते हैं, मतलब सिर्फ Ag प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस? अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर
कैथोड का रिएक्शन ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, यही कह रहे हो ना सर? भाई देखो इस प्रॉब्लम में तुम्हारे पास क्या Ag प्लस आयन है कहीं पे? नहीं तुम्हारे पास, मतलब जब तुम Ag प्लस लिखते हो इसका मतलब ये होता है कि वो आयन सोल्यूशन में अवेलेबल है फ्रीली, अब ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास वो आयन किस फॉर्म में है, वो एक सॉल्ट में क्लोरीन आयन के साथ बाउंडेड है, Ag प्लस और Cl माइनस फ्री नहीं है ना, करेक्ट? इसलिए तो ये हाफ सेल मेटल आयन हाफ सेल से डिफरेंट है, समझे? यस सर। हाँ सर, मतलब ये जो जेल है सर हमने सिर्फ वो प्लेट पे लगाया है क्या, जो जेल कंटेनर? जेल को तुम कैसा समझ रहे हो, मैंने लास्ट क्लास में भी जेल के लिए एक इमेजिनेशन बताया था ना। हाँ इस जैसी चीज है ये, ठीक है, और सॉल्ट के क्रिस्टल है, तो टूथपेस्ट जैसी चीज को तुमने प्लेट के ऊपर कोटिंग कर दी है थोड़े पार्ट ऑफ प्लेट में। हाँ ठीक है, ओके सर, ओके। कोटिंग का क्या रीजन है? कोटिंग का रीजन ये है कि जब इसको कैथोड की तरह एक्ट करना है तो किन चीजों को आपस में रिएक्ट करना है ये बताओ, कैथोड रिएक्शन लिखा है किन चीजों को रिएक्ट करना है? AgCl और इलेक्ट्रॉन को, करेक्ट? और इलेक्ट्रॉन तो प्लेट पे ही आएगा, यस। इसीलिए हमें बहुत नेसेसरी है कि AgCl जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो प्लेट के कांटेक्ट में रहे। अगर मैं सॉल्ट को ऐसे ही डाल देता इनसॉल्युबल सॉल्ट को तो क्या होता, वो तो नीचे सेडिमेंट हो जाता, सॉल्यूशन में नीचे गिर पड़ता ना एज अ सेडिमेंट, तो वो इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आता ही ना, करेक्ट? यस सर। इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में रखने के लिए हमने प्लेट पे उसकी कोटिंग की है। अच्छा ये भी पूछ सकते हो कि भाई पूरी प्लेट पे कोटिंग क्यों नहीं की, आधी प्लेट पे क्यों की? तो उसका रीजन भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर ये एनोड की तरह एक्ट करेगा तो कौन कौन रिएक्ट करेंगे? Ag प्लस और Cl नहीं, Ag एटम और Ag आयन, Ag एटम तो सिल्वर की प्लेट पे है और क्लोरीन आयन सॉल्यूशन में है, करेक्ट? यस। तो अगर हम पूरे प्लेट पे कोटिंग कर देते तो सिल्वर एटम और क्लोरीन आयन का कांटेक्ट छूट जाता, एनोड वाला रिएक्शन ही नहीं, एनोड वाला रिएक्शन ना हो पाता, वो भी हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें वो भी प्लेट और सिल्वर आयन का भी कांटेक्ट ओपन रखना है। समझ में आ गया ये? यस सर। चले आगे। यस सर। चलो फोर टाइप ऑफ हाफ सेल लिखो, रेडॉक्स हाफ सेल। देखो अभी तक हम लोगों ने जितने हाफ सेल्स बनाए उसमें क्या किया, किसी भी एलिमेंट की एक आयनिक स्टेट रखी है और एक एटॉमिक स्टेट, मतलब एक उसकी वैलेंसी जीरो और एक में उसकी कोई आयनिक वैलेंसी, करेक्ट? लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि सेम एलिमेंट की दो आयनिक वैलेंसीज ले ले, भाई देयर आर सेवरल एलिमेंट्स जिन जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, करेक्ट? तो उनकी दो वैलेंसीज के बीच में भी तो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो सकता है, यस और नो? यस।
यस सर. तो उससे अगर हम ऑक्सीजन डिजाइन करते हैं दैट इज रिडॉक्स ऑक्सीजन. तो सपोज आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट सेलेक्ट करते हैं फेरस और फेरिक. ओके तो वो दोनों आयन तो मैं सॉल्यूशन में ही लूंगा फेरस और फेरिक. करेक्ट. यस. नाउ डू आई नीड अ आयरन प्लेट. आयरन प्लेट की जरूरत है क्या? क्या आयरन प्लेट की? आयरन प्लेट डाल देंगे तो फिर और गड़बड़ हो गया. फिर तो मेटल आयन बन जाएगा. फिर तो आयरन पार्टिसिपेट करने लग जाएगा रिएक्शन में. करेक्ट. तो yes, sir, yes, sir. एनी प्लेट, कोई भी प्लेट चाहिए क्या? नहीं नहीं प्लेट हमेशा चाहिए. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो फिर प्लेट पे ही रहेगा. इलेक्ट्रॉन और कहीं नहीं रहता है. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गो इन सॉल्यूशन. ये हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. इसकी प्लेट लें, कोई भी इनर्ट सब्सटेंस की प्लेट ले सकते हैं. प्लैटिनम. तो प्लैटिनम और ग्रेफाइट बोथ आर चॉइसेस. क्योंकि देखो अब प्लैटिनम लेने अब हमें एडसॉर्प्शन की तो कोई जरूरत है नहीं जैसे गैस आयन में थी. करेक्ट. और प्लैटिनम इज कॉस्टली. अब तो हमें बस एक इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर चाहिए और वो काम तो ग्रेफाइट से भी हो सकता है. करेक्ट. यस सर. यस. तो लाइक दिस वी प्रिपेयर आवर रिडॉक्स हाफ से. और एज कैथोड इसमें रिएक्शन क्या होगा? Fe3+ इलेक्ट्रॉन गो टू Fe2+. एज एनोड इसमें रिएक्शन क्या होगा? Fe2+ goes to Fe3+ I electron. Yes, sir. Next is we can write the notation. हम लोग हाफ सेल या गैल्वेनिक सेल को लिखते कहते हैं. सर आप एक सेल भी उसे दिखा सकते हो? Yes, sir. Done? Yes, sir. चलो ध्यान से सुनना. नोटेशन क्या है? सबसे पहले किसी भी गैल्वेनिक सेल में कैथोड इज रिटेन ऑन राइट. कैथोड को हमेशा राइट साइड में लिखो. ठीक है. एनोड ऑन लेफ्ट. ओके. यस. दूसरा रूल इलेक्ट्रोड इज रिटेन ऑन एक्सट्रीम. इलेक्ट्रोड क्या होता है? किसी भी हाफ सेल में प्लेट तो जरूर डालोगे ना. यस सर. तो वो जो प्लेट होती है वो इलेक्ट्रोड होता है. उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड. ओके. तो किसी भी हाफ सेल में जो भी प्लेट है वो इलेक्ट्रोड होगा और उसको हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीम पे लिखेंगे. मतलब कैथोड की जो भी प्लेट होगी दैट विल बी रिटेन ऑन द राइट एक्सट्रीम. राइट एक्सट्रीम. राइट एक्सट्रीम. एनोड की जो प्लेट होगी दैट विल बी रिटेन ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम. तो हम लोग लास्ट क्लास में याद है गैल्वेनिक सेल किया था जिंक कॉपर वाला. करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. उस जिंक कॉपर वाले सेल में कैथोड जिंक कैथोड कॉपर वाला हाफ सेल था. एनोड जिंक वाला हाफ सेल था. करेक्ट. यस सर. जिंक वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड क्या था? व्हाट वाज द इलेक्ट्रोड इन जिंक हाफ सेल? जिंक जेडन प्लेट. जेडन प्लेट. तो जेडन प्लेट होता उस गैल्वेनिक सेल की नोटेशन में कहां लिखा जाएगा? एक्सट्रीम लेफ्ट. एक्सट्रीम लेफ्ट. लेफ्ट एक्सट्रीम. और सिमिलरली कॉपर प्लेट किधर लिखी जाएगी?
स्पीशीज इन डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज आर सेपरेटेड by a single vertical line, by a single vertical line, species in same phase are separated by a comma, and salt bridge is denoted by double vertical line. ठीक है, तो अब बताओ जिंक वाले आप सेल का नोटेशन कैसे लिखेंगे? जिंक कॉपर जो लास्ट क्लास में किया था, सॉलिड जिंक हम लेफ्ट एक्सट्रीम में लिखेंगे, सॉलिड कॉपर राइट एक्सट्रीम में, करेक्ट? यस यस सर। सॉलिड जिंक किसके कांटेक्ट में था? Zn2+ आयंस के कांटेक्ट में था। यस सर। और वो दोनों अलग अलग फेस में है, तो बीच में एक सॉल्ट ब्रिज का संदर्भ, सिंगल वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। फिर जिंक आयन से सॉल्ट ब्रिज कांटेक्ट में था, सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन। इधर सॉलिड कॉपर की प्लेट किससे कांटेक्ट में थी? Cu2+ और वो सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में, तो इस तरह लिखा जाएगा ये हाफ सेल, करेक्ट? यस सर। समझ गए? यस यस सर यस सर। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज स्पेसिफाई नहीं करना है? एक मिनट, आई एम कमिंग टू दैट। हाँ, अब जरा इनके नोटेशन लिखो हाफ सेल्स के। इसको नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ? मेटल आयन को अगर वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, Mn+ एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन एम सॉलिड, और एनोड की तरह कैसे लिखेंगे? एम सॉलिड Mn+ एक्वस, समझे ना? अगर एनोड है तो इलेक्ट्रोड लेफ्ट में आएगा, अगर कैथोड है तो इलेक्ट्रोड राइट में आएगा, क्लियर? यस सर। आप वो कॉपर जिंक वाला एक और बार दिखा सकते हो? दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। इस पहले ये नोट कर लिया? हाँ सर। इसमें बताओ कैसे लिखेंगे आप? वो स्टेलिंग भी कैथोड वाला H+ H+ सिंगल वर्टिकल लाइन H+ सिंगल वर्टिकल लाइन और H2 गैस सीएस सिंगल वर्टिकल लाइन प्लैटिनम सॉलिड। एक्सट्रीम में तो इलेक्ट्रोड आएगा, इलेक्ट्रोड तो प्लैटिनम का है ना? हाँ सर, समझे? सर आप वो रिपीट कर सकते हो कि वो इलेक्ट्रोड को राइट और लेफ्ट का भी लिखना है, मतलब आप जो अभी बोल रहे थे ये राइट लेफ्ट। ओके सर, जब कैथोड की तरह है तो इलेक्ट्रोड राइट एक्सट्रीम पे आएगा। अच्छा ओके, लेफ्ट एक्सट्रीम पे। हाँ ये बताओ, Cl- is Cl- aqueous, Ag solid. Ag का plateless। ठीक है सर, वहाँ common same state नहीं बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हो? Ag और AgCl को same state नहीं बोल पाएंगे, same phase solid है ना? यहाँ पे क्या लिखता है ये? Phase।
वेज और स्टेट सेम चीज नहीं होती ना. व्हाट इज फेज? आई हैव टोल्ड यू. यस. कैन एनीबॉडी रिमाइंड व्हाट वाज फेज? जिसमें सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सेम रहे. यस. दो सॉलिड्स आर ऑलवेज इन डिफरेंट फेजेस. यस सर. यस. इसको कैसे लिखोगे बताओ? Fe3 plus, comma Fe2 plus, PT. PT या graphite जो मन. ठीक है? Fe2 plus, comma Fe3 plus. समझ गए लिखने का notation? Yes sir. Yes sir. अब कोई कुछ पूछ रहा था salt bridge के बारे में? हाँ सर. वो सॉल्ट ब्रिज को मतलब लिखना नहीं है. कौन सा सॉल्ट ब्रिज है? वो ना ये दो वर्टिकल लाइन से सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट? हाँ, कौन सा सॉल्ट है वही. वो चाहो तो लिख सकते हो. देखो उसका जनरली कोई यूज नहीं होता है न्यूमेरिकल्स में, तो हम लोग उसको लिखते नहीं है. लेकिन अगर लिखना चाहो तो सॉल्ट ब्रिज की जो दो लाइनें हैं उसके बीच तुम वो सॉल्ट लिख सकते हो जो सॉल्ट ब्रिज में यूज करते. ठीक है? ओके सर. इफ यू वांट, बट दैट इज नॉट नीडेड इन न्यूमेरिकल्स, सो वी यूजुअली डोंट राइट इट. ठीक है सर? Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस में एक्वस नहीं लिखेंगे? हाँ, एक्वस लिख सकते हो. देखो आयन लिखा है ना, तो ऑटोमेटिकली मेंट होता है कि वो एक्वस ही है, क्योंकि आयंस ना उसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं और किसी फॉर्म में. यस. आयन स्टेबल नहीं होंगे सर. मेटल इन सॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल का एक बार दिखाओ ना नोटेशन. ये क्लियर है इतना सर? वन सेकंड सर. वो इधर हमने एजी का प्लेट लिया तो वो रिएक्ट नहीं करेगा क्या? मतलब वो इनर्ट नहीं है ना? कौन सिल्वर कैसे इनर्ट है यार? हाँ सर, वही इनर्ट नहीं है ना सर वो. हाँ तो इनर्ट नहीं है ना सिल्वर. हाँ यहाँ तो सिल्वर. हाँ तो सर. सर तो भी हमने उसका वो प्लेट लिया है, मतलब बाकी सब केस में हम प्लैटिनम ले रहे कि वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए वैसे. इसमें तो रिएक्ट कराना है ना तुम्हें सिल्वर को, एज एनोड रिएक्शन देखो क्या है. ओके. हाँ सर. सर अपन गैस एंड हाफ सेल का सर अपन नोटेशन का पेज एक बार दिखा सकते हो सर? आप सब पेज एक बार बता सकते हो प्लीज? हो गया सर? प्रीवियस. हाँ सर. चलो बुकलेट निकालो. एफबीएस का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करो जरा. नोटेशन वाला ही है सर. प्रीवियस पेज. हाँ सर. वो फायर नोट अभी तक की अभी भी नहीं हुआ. यस सर. चलो एफबीएस फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम करो.
कर लिया फिर वेट
हो गए कंप्लीट? चलो यस सर, कोई डिस्कस करना उसमें से? सर सर फर्स्ट का डी वाला में आप वो बता सकते हो क्या? फर्स्ट का डी सर, सेकंड का डी। चलो पहले फर्स्ट का डी देख लेते हैं। वन का डी तो तुम्हें नोटेशन कैसे दिया है? पीपी सॉलिड क्यू एच टू क्यू एच प्लस सॉल्ट ग्रे सी एल माइनर ए बी सी एल ए बी। तो कैथोड का तो हाफ रिएक्शन आई थिंक क्लियर है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एन आयन हाफ सेल है जिसमें रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट? हाँ सर। ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब ध्यान से देखो कैसे लिखोगे। क्यू एच टू में क्यू की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, yes. और QH2 में माइनस टू है। हाँ। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब जहां कम हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेफ्ट में हो, जहां ज्यादा है वो राइट में हो। ओके सर। तो QH2 तो होगा रिएक्टेंट साइड और Q होगा प्रोडक्ट साइड, सही है? हाँ। अब हाइड्रोजन बैलेंस के लिए दो हाइड्रोजन को इधर लिखना ही पड़ेगा, H प्लस लिखना पड़ेगा, और चार्ज बैलेंस भी करना है तो दो इलेक्ट्रॉन इधर लिखने पड़ेंगे। हाँ, यस सर। हो गया बैलेंस? ये एनोड की आप अच्छा, हो गया। ओके ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। और टू का डी, टू के डी में रिएक्शन दिया है, नोटेशन लिखनी है। देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रही है, करेक्ट? यस सर। तो हाइड्रोजन एनोड है वो लेफ्ट में लिखा जाएगा, यस yes. हाइड्रोजन का हाफ सेल कैसा बनेगा? गैस आयन वाला, करेक्ट? yes, गैस आयन हाफ सेल में प्लेट तो प्लैटिनम की ली जाएगी, तो ये तो एनोड हो गया, करेक्ट? यस सर। कैथोड में फेरोसाइनाइड आयन का रिडक्शन हो रहा है, दोनों आयन हैं तो उसके लिए कैसा हाफ सेल बनाओगे? रिडॉक्स हाफ सेल, करेक्ट? यस। तो FeCN6 3 माइनस कॉमा FeCN6 4 माइनस, और प्लेट किसकी लगा दोगे? प्लैटिनम भी लगा सकते हो, ग्रेफाइट भी लगा सकते हो, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। वो ऊपर वाले में मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो Q goes to QH2 लिखा है तो वो रॉन्ग है क्या? Q going to QH2 लिखोगे तो रिडक्शन हुआ ना, रिडक्शन है, जीरो से माइनस टू किसी को भेजोगे तो वो तो रिडक्शन। हाँ 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 सर, सॉरी। तो वन का सी है, तो वन सी क्वेश्चन, वन सी Liquid, Hg2Cl2 liquid, Cl minus, H plus, H2, Pt.
तो कैथोड तो हाइड्रोजन का हाफ सेल है, वहां रिडक्शन हो रहा है, तो उधर तो ये रिएक्शन हो गया, करेक्ट? यस सर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है, Hg में मरकरी जीरो स्टेट में है, Hg2Cl2 में प्लस वन पे, करेक्ट? यस सर। तो Hg रिएक्टेंट साइड आएगा और Hg2Cl2 प्रोडक्ट साइड। यस सर। क्लोरीन का स्पेक्टेटर बैलेंस करोगे और फिर चार्ज बैलेंस करोगे तो दो इलेक्ट्रॉन। ओके सर, थैंक यू सर। सर टू का सी, टू का सी, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है, करेक्ट? कैसे होगा नोटेशन इसका? Zn सॉलिड, Zn2 प्लस, एक्वस, Cl माइनस एक्वस, AgCl सॉलिड, Ag सॉलिड, हो गया टू का सी। ओके सर, प्रीवियस पेज एक मिनट। हाँ सर, ओके, थैंक यू। चले आगे सर, कैन यू प्लीज डू टू का बी, टू का बी करा। क्लोरीन आयरन, क्लोरीन का रिडक्शन है, आयरन का ऑक्सीडेशन, प्लैटिनम Fe2 प्लस कॉमा Fe3 प्लस Cl माइनस Cl2 प्लैटिनम, ठीक है? ओके सर। सर टू के सी में सॉल्ट ब्रिज नहीं है? नहीं, सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए टू के सी में। वो क्लियर था सबको कि टू के सी में सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए? नहीं सर, वो बता सकते सर, मुझे नहीं समझा। भाई टू के सी का रिएक्शन क्या दिया? जिंक प्लस टू ए जी सी है, goes to 2Ag plus ZnCl2, correct? Yes sir. इसमें oxidation किसका हो रहा है बताओ? Zn का। Zn का। Zn। Zn का हम कैसा half cell बना रहा है? Metal ion half cell? Yes। Metal ion half cell बना रहे हैं, मतलब zinc की plate को और Zn2 plus ions में dissolve किया, dip किया हुआ है। Yes sir. Yes sir. अब ये Zn2 plus ions हमने कैसे बनाए? किस कोई salt dissolve किया होगा पानी में zinc का, correct? Yes sir. कौन सा salt? Sir Zn. ZnCl2 ही। ZnCl2 हमें problem से clear है। Sir. तो हमने पानी में ZnCl2 dissolve करके ये salt बनाया है। ये सोल्यूशन बना गया, करेक्ट? यस सर। इतना क्लियर है? यस। अच्छा, दूसरे हाफ सेल में कैथोड में क्या करना है मुझे? AgCl मतलब ये तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन वाला है। हाँ, यस सर। तो इसमें मैंने सिल्वर की प्लेट ली होगी। हाँ सर, वो कोटिंग किया होगा। कोटिंग होगी, करेक्ट? यस। AgCl जेल में कोटिंग होगी और सॉल्यूशन किसका होगा? Cl माइनस। तो मैंने इसमें क्लोराइड आयन का कोई सॉल्ट पानी में डिसॉल्व करके बनाया होगा, करेक्ट? यस सर। कौन सा, कौन सा क्लोराइड आयन का सॉल्ट दिख रहा है तुम्हें रिएक्शन से? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व होता है ZnCl2। ZnCl2।
ZnCl2 पानी में डाल के बनाया है ना। हाँ, यार yes, दोनों ही बीकर में मुझे पानी में ZnCl2 ही डालना है तो मैं दो बीकर लूंगा ही क्यों? Yes. मैं एक ही बीकर में पानी में ZnCl2 डालूंगा ना, दोनों और सेम सॉल्यूशन है दोनों और सॉल्यूशन में क्या डाल लो, पानी में ZnCl2 करेक्ट। ओके सर, तो दो अलग दो अलग बीकर की जरूरत नहीं है यहाँ, तो मैं एक बीकर में पानी में ZnCl2 डालूंगा करेक्ट, और उसी में दोनों प्लेट डिप कर दूंगा। देखो अगर यही रिएक्शन ऐसे लिखा होता अब मैं अलग अलग बीकर बनाता, क्यों? क्योंकि अब मुझे मालूम नहीं है जिंक आयन किस सॉल्ट से आ रहा है और क्लोरीन आयन किस सॉल्ट से आ रहा है, समझ रहे हो? Yes, पहले मालूम था कि वो ZnCl2 ही आएगा, ZnCl2 करके लिखा हुआ था तो दोनों सॉल्ट से आ रहे थे, मैंने एक ही बीकर ले लिया करेक्ट। यस सर, समझ में आया? मतलब सर, मतलब आप वो एक ही बीकर में Zn का प्लेट, Ag का प्लेट, Zn2+ और Cl- सब ये एक ही बीकर में हो जाएगा? बीकर में हो जाएगा। ओके, पोरस पार्टीशन यूज करेंगे ना? पोरस पार्टीशन की भी अब जरूरत भाई, पोरस पार्टीशन की जरूरत तब होती है जब दोनों साइड सॉल्यूशन अलग-अलग हो, समझ रहे हो? एक साइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, एक साइड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो पोरस पार्टीशन की जरूरत होती है। यहां पे दोनों साइड सेम सॉल्यूशन है सर, वो सेकंड बीकर में ZnCl2 ही था वो कैसे पता चला? भाई सेकंड बीकर में क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन बनाना है। यस सर, और जो तुम्हें रिएक्शन दी है उसमें क्लोराइड आयन सिर्फ ZnCl2 में ही है। ओके सर, ओके। और सर अगर एक बीकर में डाला तो फिर वो वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा? अरे ये वही, नहीं नहीं बेटा, ये मेटल आयन वाला थोड़ी सिंपल केस है, यहाँ पे सिल्वर आयन इस बाउंड है, वो थोड़े नहीं यहाँ से यहाँ चला आएगा। ओके सर, यस सर, ओके, यस सर, अंडरस्टूड। चलो तो नोटेशन क्लियर हो गई, लिखने का तरीका? यस यस सर। आगे हेडिंग बनाओ, अब थोड़े नंबर्स लाते हैं बीच में, तो लेट्स ब्रिंग इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो मान लो कोई भी आपसे लिया, सिंपल एग्जाम्पल ही लेता हूं, मेटल आयन का, और ये अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है, मैंने एक प्लेट को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, क्या होगा? ये करते ही कुछ मेटल एटम्स आयन बन के सॉल्यूशन में जाने लग जाएंगे करेक्ट। yes. और कुछ आयंस सॉल्यूशन से आके प्लेट के इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड बनने लग जाएंगे। तो जैसे ही मैंने ये कनेक्शन, जैसे ही मैंने प्लेट को पानी में डाला, ये दोनों रिएक्शन होने लग जाएंगे। ओके yes. अब ये दोनों रिएक्शन हो रहा है, इसका क्या मतलब? ये दोनों तो एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शन ही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? वेरी क्विकली इन दिस कंटेनर, वेरी क्विकली एन इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड करेक्ट। यस सर, क्या इक्विलिब्रियम होगा? ये इक्विलिब्रियम करेक्ट। हाँ,
अब ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट में भी शिफ्टेड हो सकता है, राइट में भी शिफ्टेड हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा ये? अदर हाफ, अदर हाफ नहीं नहीं किसी से नहीं कनेक्ट किया है, आइसोलेटेड हाफ सेल है। तो ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्टेड है या राइट में शिफ्टेड है विल बी डिसाइडेड बाय, हाँ, बाय लोकेशन ऑफ दिस एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इट्स मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, करेक्ट। ये एलिमेंट जितना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा उतना ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा, करेक्ट? यस सर। तो दिस इक्विलिब्रियम मे बी शिफ्टेड इन राइट और लेफ्ट depending on metallic nature of n, सही है? मान लो ये इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट है, इसका मतलब क्या है? राइट में शिफ्ट है मतलब ज्यादा एटम्स आयंस बना रहे हैं और कम आयंस वापस एटम बना रहे हैं, करेक्ट? Yes. मतलब ज्यादा एटम्स अगर आयंस बना रहे हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को प्लेट पे छोड़ के जाएंगे, yes. Yes or no? इलेक्ट्रॉन को प्लेट पे छोड़ के जाएंगे तो प्लेट तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, करेक्ट? Yes. और सॉल्यूशन में Mn प्लस आयंस का एक्सेस हो जाएगा तो सॉल्यूशन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, करेक्ट? यस सर। और अगर ये लेफ्ट में शिफ्टेड होता तो क्या मतलब है? लेफ्ट में हो जाता मतलब ज्यादा आयन एटम बना रहे हैं तो वो प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, प्लेट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द सॉल्यूशन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, करेक्ट? यस। तो आगे लिखते हैं, इन विच एवर डायरेक्शन दिस इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, इधर भी शिफ्टेड हो लेफ्ट में या राइट में, वी विल हैव टू लेयर्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस डेवलप, वन ऑन द प्लेट another in the solution, ठीक है? ओके सर। हाँ सर, जो फर्स्ट वाला केस है उसमें वो आयंस जो है Mn प्लस सर, वो मतलब मेटल तो बनाएंगे ना थोड़े, तो थोड़े आयंस तो ज्यादा एटम आयंस, इक्विलिब्रियम आ गया ना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता था उसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो गया, हाँ सर, तो फिर क्यों ये डाउट पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि वो Mn प्लस भी जाके मेटल बनाएगा तो प्लेट पे भी थोड़ा मेटल भी रहेगा ना सर, हाइट में शिफ्टेड मतलब ज्यादा एटम आयंस बना रहे हैं ना, हाँ सर, मतलब ये सिचुएशन है, ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ, हाँ तो नेगलिजिबल ही मान सकते थे, नेट नेगेटिव आएगा ना प्लेट पे, यस सर, यस। तो दो लेयर ऑफ चार्जेस बन जाएंगी वेदर ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्टेड है या राइट में, करेक्ट? और दो चार्ज लेयर के बीच तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होगा,
अग्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेयर्स ऑफ चार्जेस is called as electrode potential. ठीक है, समझ में आया? Yes sir. नोट हो गया इतना? क्या बोला यार सर? प्रीवियस पेज दिखाओ, ऐसा बोल रहा हूँ. क्या नेक्स्ट पेज दिखाई? डन सर. तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजर नहीं कर पाते, तो उनको एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं. और रेफरेंस क्या सेलेक्ट करते हैं इसके लिए? रेफरेंस सेलेक्टेड इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. हो गया नोट? क्यों हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते? एब्सोल्यूट मेजरमेंट पोटेंशियल तो तब से पढ़ रहे हैं. पोटेंशियल करेक्ट. यस सर. पहले जीरो एक डिफाइन करना पड़ेगा ना. यस सर. हाँ हो गया नोट? यस सर. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है देख लिया?
कैसे बनाएंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भीतर में H प्लस आयन, करेक्ट, H प्लस आयन और उनकी मोलारिटी वन हो, उसमें कौन सी प्लेट डिप होगी? प्लैटिनम, जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होएगा एट अ प्रेशर ऑफ 188. तो इस हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या ईएमएफ को वी असाइन अ वैल्यू ऑफ जीरो वोल्टेज. ओके, मतलब कैसे लिखे, ईएमएफ ऑफ ई नॉट, स्टैंडर्ड ईएमएफ, नॉट मतलब सारे एक्टिव मासेस वन है. ओके, यस, ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट एस आर पी, या इसी को नोटेशन में लिख के प्रॉब्लम देंगे तो कैसे लिखेंगे, ई नॉट एच प्लस एच टू पी टी, ये रिडक्शन के फॉर्मेट में लिखा गया है ना कैथोड की तरह. यस, इसको हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जीरो, या इसका एसओपी भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और अब नीचे कैसे लिखोगे, ई नॉट पीटीएच टू एच प्लस इज जीरो. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वोल्टेज दोनों हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, जीरो जीरो. ओके, और अब हम लोग बाकी हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में ही मेजर करेंगे. क्लियर है? यस. ऐसा कोई रीजन था कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऐसे लिया? नहीं, रीजन यही है कि भाई मेटल और नॉन मेटल के बीच हाइड्रोजन ही सबसे अच्छी बाउंड्री है. ओके सर. हो गया नोट? यस. नेक्स्ट डिस्कस करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेजर करना है तो उस हाफ सेल में जितने आयन्स हैं उनकी मोलारिटी वन मोलर लेनी पड़ेगी, जितनी भी गैसेस हैं उनका पार्शियल प्रेशर 180 होना चाहिए, एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड With respect to standard hydrogen electrode. ठीक है, तो मेरे पास कोई भी हाफ सेल है, सपोज ये हाफ सेल है मेटल प्लेट इन इट्स आयन, और इस हाफ सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है.
तो आई विल कनेक्ट इट विद अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बाय अ वायर एंड अ सॉल्ट ब्रिज, और फिर अमीटर और वोल्ट मीटर लगा के लेट से वी मेजर द वोल्टेज इज 5 वोल्ट एंड करंट इन दिस इज 3 एम्पीयर्स फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो ये तो याद है ना कि करंट किधर से किधर फ्लो करता है गैल्वेनिक सेल में, वायर में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब एनोड टू एनोड, करेक्ट, इन एक्सटर्नल वायर। तो यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उस अननोन हाफ सेल पे फ्लो कर रहा था, मतलब हाइड्रोजन हाफ सेल, इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, करेक्ट, बाय द करंट फ्लो डायरेक्शन ये डिसाइड किया, अग्रीड। अब किसी भी आप किसी भी गैल्वेनिक सेल में कैथोड की तरह कौन एक्ट करता है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, जिसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, अग्रीड। यस, हाँ, ओके, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हाफ सेल की रिडक्शन की टेंडेंसी इस हाफ सेल से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, 5 वोल्ट, करेक्ट, यस यस। तो हाइड्रोजन हाफ सेल की रिडक्शन टेंडेंसी कितनी होती है, उसका रिडक्शन वोल्टेज कितना है, जीरो जीरो जीरो, और वो 5 वोल्ट इससे ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन वोल्टेज कितना हुआ, माइनस 5 वोल्ट, माइनस 5 वोल्ट, करेक्ट। तो E नॉट एस आर पी फॉर दिस, दैट इज E नॉट एम एन प्लस एम, कितना हुआ, माइनस 5 वोल्ट, करेक्ट, यस और नो, यस, सो व्हाई माइनस, भाई देखो हाइड्रोजन की रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब E नॉट एस आर पी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस E नॉट एस आर पी of this Mn plus M, this is 5 volt, okay, yes, और हाइड्रोजन का एस आर पी कितना है, 0 volt, 0 है, तो what is E naught एस आर पी ऑफ एम एन प्लस एम, ठीक है, सर आप एक बार बता सकते हैं आपको फर्स्ट इक्वेशन के इस पूरे गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज 5 वोल्ट है, हाँ, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, यस सर, अब इसका रिडक्शन वोल्टेज ज्यादा है इससे, हाँ सर, ये कैथोड बना और ये एनोड बना, हाँ, तो कितना ज्यादा है वो डिफरेंस ही तो आएगा वायर में, हाँ, ओके, इसी तरह कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन वोल्टेज Mn प्लस का ज्यादा है, यस यस, तो सिमिलरली E नॉट M Mn प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन से 5 वोल्ट ज्यादा, 5 वोल्ट, करेक्ट, यस सर, तो इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी सेल का एसओपी इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ इट्स एसआरपी, एसआरपी, क्लियर है, यस सर।
तो पूरे गैल्वेनिक सेल के लिए ईएमएफ हम कैसे दे सकते हैं? जैसे ये भी तो एक गैल्वेनिक सेल था ना, और इसका ईएमएफ कितना था? 5 वोल्ट। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए मैं ई नॉट सेल का क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं? लिख रहा है ना, वी कैन राइट इट एज एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, करेक्ट? यस सर। या अगर वे एस ओ पी एनोड माइनस कर, एनोड माइनस एस ओ पी कैथोड और एस आर पी कैथोड प्लस एसओपी एनोड, सही है? यस। चलो नोट कर लो सर, पिछला पेज पर तुम जरूर हो गया रोड। यस सर।